देखिए मरीज यहाँ करीबन 30 से 40 पेशेंट आ चुके हैं अभी तक जी विद इन 3 डेज, और जिसमें से रिसेंटली हमारे पास 7 पेशेंट हैं। और यहाँ बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आते हैं। जी मोर ऑफ द पेशेंट जिन्हें हम यहाँ एडमिट करते हैं उसमें उनको ऑक्सीजन और आइसोलेशन का प्रॉब्लम्स होता है। जी उनके पास खुद का प्रिस्क्रिप्शन होता है, ट्रीटमेंट वो ले रहे होते हैं। सम केसेस में ये होता है कि उन्हें आइडेंटिफाइड नहीं होता है कि हमें ये है कोविड या नहीं। जी तो उनके हम प्रॉपर टेस्ट कराते हैं और उसके बाद उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाते हैं जिससे कि वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अभी नंबर वन हमारे रूम में एक पेशेंट है मिस्टर सुरेश कुमार, ये लास्ट 3 डेज से यहाँ हैं। जी और जब आए थे इनका 102 एंड 103 टेम्परेचर था, अभी रिसेंटली एकदम नॉर्मल है। लास्ट 1 डे से एकदम नॉर्मल है, 98.3 टेम्परेचर रिसेंटली एंड ही इज फाइन। ठीक है, तो जो एक वरीनेस होती है वो पेशेंट की यहाँ आके काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और पेशेंट घबराहट से जो घर में और लोग बिहेव करते हैं कि अरे इससे कोरोना हो गया, इससे थोड़ा दूर रहिए, वो जब उन्हें यहाँ एक लव एंड अफेक्शन मिलता है तो उनकी काफ़ी परेशानियाँ बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं। मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि कोरोना पेशेंट को इतना हेट नहीं करें जी, आप प्रिकॉशंस रखें और बिल्कुल उसको केयर करें तो वो बड़ी जल्दी रिकवर करता है और बड़ी जल्दी कॉन्सुलेशन होने से उसको बड़ी जल्दी आराम मिलता है। तो मैं आप सभी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सभी को हम इस प्रकार का मैसेज दें जिससे कि वो जल्दी रिकवर हो पाएँ और हम कोरोना को हरा पाएँ आप लोगों की मदद से।